दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों मैं हूं अंकुर तिवारी यूपी न्यूज तक से और हमारे साथ हैं विवेक भाई। और दोस्तों अमेठी से हम लोग हैं और अमेठी में एक मुद्दा बहुत तगड़ा जो है वायरल हुआ सारस पक्षी को लेकर के। सारस और आरिफ भाई की जो है दोस्ती की कहानी जो है लोगों तक पहुंची यूट्यूब और भी सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद में जो भी जो वन विभाग की टीम थी वो हरकत में आई और उसने जो है पक्षी को अपने अंडर में लिया और ले जाकर के उसको रायबरेली में जो है छोड़ दिया, वन विहार में ले जाकर के छोड़ दिया। उसके बाद अब जो है न्यूज आ रही है सोशल मीडिया में कि उस पक्षी की कोई भी जो है जानकारी किसी के पास नहीं है, वो पक्षी पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको पहली बात तो कि अगर आप उस एरिया से हैं और वहां से हैं तो उस पक्षी को अगर कहीं आप देखें तो उसको बिल्कुल आप आसानी के साथ अपने पास पकड़ के रखें और उसको जो है वन विभाग या फिर आर्य भाई को जरूर सूचित करें। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि विवेक भाई आपने वो कहानी सुनी थी बचपन में जो एक देवदत्त और सिद्धार्थ वाली कहानी थी कि जिसमें जो है एक पक्षी को देवदत्त नामक शिकारी मारता है और उसमें सिद्धार्थ जो है उसको बचाते हैं। और बाद में जो है दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि आपस में कि ये पक्षी का मालिक कौन है। तो राजा के पास वो मामला जाता है और राजा जो है उसमें ये कहते हैं कि इस पक्षी को बीच में छोड़ दिया जाए, जिसकी तरफ जाएगा पक्षी उसी का हो जाएगा। तो वो पक्षी जो है मारने वाले की तरफ नहीं जाता बल्कि बचाने वाले की तरफ जाता है और उस पक्षी को जो है सिद्धार्थ को दे दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है इस केस में भी होना चाहिए। कहीं कहीं पर दोस्तों कानून भी जो है हर जगह पर इस तरह से सख्ती नहीं बरतना चाहिए। बहुत सारे जो है पशु पक्षी लोग पालते हैं, चिड़िया पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। बिल्कुल, तो वैसे उसको भी पालतू अगर मतलब बना के वो रख रहे हैं, वैसे भी आरिफ भाई उसका बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और तो दोस्तों उसको जो है हम यही कहना चाहेंगे कि उस पक्षी को अगर हो सके तो आरिफ भाई को दे दिया जाए, क्योंकि उस पक्षी को वही अपने पास रख सकते हैं क्योंकि उनका दोनों का जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है और उसका जरूर वो ख्याल भी रखेंगे और इस तरह से वो पक्षी जो है बच नहीं पाएगा। इसलिए आरिफ भाई को अगर वो मिलता है तो सरकार को दे देना चाहिए। आपके क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि जो पक्षियों का पालन पोषण किया है उसका पैर टूट गया था तो उन्होंने दवाई किया। हाँ, काफी अच्छे से पक्षी से काफी लगाव हो गई है तो उनको दे दिया जाए। यही हमारे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। आप देख रहे थे यूपी न्यूज तक, मैं अंकुर तिवारी और हमारे साथ विवेक भाई। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतनी जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।